Two, three. How to develop a concentration? Hi viewers, आप में से ज्यादातर लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है कि हाउ टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन पावर। चाहे आप कुकिंग का वर्क कर रहे हो या फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको आपका मन चाहे परिणाम नहीं मिल सकता है, चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए। क्योंकि मेहनत करना एक तरफ है और उसको एकाग्र होकर करना ये अलग बात है। आप देखिए क्रिकेट में कितनी फास्ट बॉल आती है, प्लेयर का अगर कंसंट्रेशन टूट जाए तो विकेट उखड़ जाता है। स्टूडेंट्स का अगर कंसंट्रेशन शटर्ड कर जाए तो उनकी मार्कशीट पे नंबर कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट टिप आई वांट टू गिव यू फॉर डेवलपिंग द कंसंट्रेशन इज, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए कंसंट्रेशन को डेवलप करना चाहते हैं, अगर उस सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर थिंग से आप अपने लव को इंक्रीज करें, उस चीज़ को प्यार करें। सपोज एक शेफ बनना चाहता है, उसको अगर कुकिंग से प्यार है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देखिए आप 3 घंटे की मूवी जब देखते हैं तो आपको पसंद होता है, 3 घंटे तक आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। कोई बच्चा जिसको खेलने का शौक है, उसको खेलने में कॉन्सेंट्रेशन बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है। थिंक इज दैट जिस चीज़ से आप प्यार करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपका 100% डेवलप हो चुका होता है। सेकेंड ट्रिक, जब भी आप किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन बनाना चाह रहे हो तो कोशिश कीजिए डिवाइड एंड रूल करके उसको छोटे छोटे चंक ऑफ द टाइम, पार्ट ऑफ टाइम में बांटिए। 2 घंटे तक आपको पढ़ना है अनडिस्टर्ब होके, तो आप पहले उसको हाफ एन आवर में ब्रेक कीजिए, उसमें अपने कॉन्सेंट्रेशन को ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप कीजिए, तो आपको मन चाहे परिणाम मिलेगा। आप योगा और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपके मेंटल पावर को, जो नर्व सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है। जब आपका नर्व सिस्टम स्ट्रेंथन होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग बन जाता है। थर्ड थिंग, आज की डेट में आप टेलीविज़न, मोबाइल्स और नाना तरीके की चीज़ें, यानी फ्रेंड्स की गॉसिप में उलझे रहते हैं। जब आपका ब्रेन ही बिजी है एक्स्ट्रा चीज़ों में, तो आप कैसे ला सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इमिडिएटली? आप कहेंगे इसको समझाइए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 15 घंटे की जर्नी के बाद जब आप उतरते हैं नीचे तो आपकी बॉडी उसी फ्लो में रहती है। इसी तरीके से जब आप दिनचर्या में अपना संतुलन नहीं बनाते हैं तो आपकी दिनचर्या भी आपको किसी भी एक गलत दिशा में ले जाती है। तो फोकस योर डेली रूटीन एंड डिवाइड योर वर्क इन स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इंक्रीज द लव फॉर योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।